हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा ब्रेकफास्ट की रेसिपी जो खाने में भी टेस्टी है और हेल्दी है, और इसको आप बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं बना के। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना बढ़िया टेक्सचर है इसका। देखिए अंदर तक फिलिंग हुई है, और आप बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने बड़ा सा बाउल ले लिया है, उसमें एक प्याज ले लिया है, उसको बारीक चॉप कर लिया था, 1/4 कप मटर, ये फ्रोजन मटर है, और 1/4 कप स्वीट कॉर्न, और 1/4 कप ही मैंने कैप्सिकम लिया है। सब्जियों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही है तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग ली है। और 1/4 कप खीरा, और 1 टमाटर लिया है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और 2 हरी मिर्च ली हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च अवॉइड कर सकते हैं। अब 1/2 चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, और नमक स्वाद के हिसाब से, और मैं 3 क्यूब चीज़ लिया है। तो आपको चीज़ के बिना भी बना सकते हैं इसको, बच्चों को अगर चीज़ पसंद आता है तो मैं इसलिए बना रही हूँ, आप बिना चीज़ के भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, तब भी खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। तो मैं 3 क्यूब का यूज़ कर रही हूँ, आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ग्रेट करके डालेंगे इसको। तो ये खाना नाश्ता है ना, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, आप ट्राई ज़रूर करिएगा एक बार। अब मैं इसमें 2 चम्मच तंदूरी मियो डाल रही हूँ, अगर आपके पास तंदूरी मियो ना हो तो आप टमाटो सॉस भी डाल सकते हैं, उससे भी टेक्सचर अच्छा आएगा। तो मैंने 2 चम्मच तंदूरी मियो का यूज़ किया है, अब इसको मिक्स कर देंगे, इससे का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आएगा, बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। आप कोई भी मियो डाल सकते हैं, जो आपके पास मियो अवेलेबल हो तो वो वाली मियो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब मैं इसमें 1 चम्मच टमाटो सॉस भी डाल रही हूँ, जिससे थोड़ा सा अच्छा सा और टेस्ट आएगा इसका, बढ़ जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप इसमें नॉर्मल मसाले भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग वगैरह ना हो, उससे भी ये टेस्ट अच्छा टेस्टी बनता है। देखिए हमारा मिक्स हो चुका है, फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है, चलिए बाकी की तैयारी करते हैं। अब मैंने ये 1/2 कप मूंग दाल को सोख करके रख दिया था रात को, और इसको मैंने 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है, जिससे इसमें जो भी डस्ट वगैरह थी वो सब निकल चुकी है। अब इसको हम जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे हम इसका पेस्ट बना के तैयार कर सकें। तो आपको इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, सिंपल मूंग की दाल को ही पीसना है। देखिए हमने दाल ट्रांसफ़र कर दी है, इसमें तीन चार हरी मिर्च ली हैं, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और नमक स्वाद के अनुसार, हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे, दरदरा पेस्ट नहीं बनाना है आपको, एकदम फाइन पेस्ट बना के तैयार करना है। तो देखिए पेस्ट बन के रेडी हो गया है हमारा, देखिए आपको टेक्सचर भी दिखा रही हूँ, एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना है, बिल्कुल भी दाना ना ही है इसमें, अच्छे से हमारा पेस्ट बन चुका है। चलिए अब इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए हमने सारा बैटर ट्रांसफ़र कर लिया है, आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ, हमें इतना ही थिक चाहिए इसका, एकदम पतला बैटर नहीं बनाना है। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा, जिससे देखने में अच्छा लगे, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हमने इसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें 1 पाउच इनो डाल रही हूँ, आप खाना सोडा भी डाल सकते हैं, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं 1 चम्मच, जिससे इनो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो 1 चम्मच ही पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे इनो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए हमारा बैटर रेडी हो चुका है, आपको कंसिस्टेंसी भी इसकी दिख रही होगी। अब मैंने तवा लिया है, इस पर आप घी लगा दीजिए, या बटर हो तो आप बटर भी लगा सकते हैं, मैंने घी से बना रही हूँ इसको, और छोटे छोटे पोर्शन में इसको फैला दीजिए, पतला पतला फैलाना है, मोटा मोटा नहीं फैलाना है। और बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ तो मैं इसी टाइप का आपको शेप दे रही हूँ, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। अब जो हमने फिलिंग रेडी करी थी वो इसके अंदर फिल कर देंगे। बच्चों को क्या इस टाइप का नाश्ता कुछ डिफरेंट बनाओ तो पसंद आता है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो हम सारे समय से ही फिलिंग कर देंगे, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा क्वांटिटी भर सकते हैं इसमें। अब इसके ऊपर भी हम मूंग दाल का पेस्ट है ना कोट कर देंगे, जिससे अच्छे से कवर हो जाए पूरा, जो फिलिंग हमने भी भरी है ना उसको अच्छे से कवर करना है आपको, कहीं से भी निकलना नहीं चाहिए, पतली ही कोटिंग करनी है, मोटी कोटिंग नहीं करनी है आपको। तो अच्छे से सब पे फैला देंगे, जैसे सारी सब्जियां उसमें कवर हो जाएं अच्छे से। तो देखिए हमने अच्छे से सारी कर दी है, अब इसको कवर करके 2 मिनट पकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, जब तक ऊपर से हल्का ड्राई ना हो जाए तब तक। देखिए ऊपर से ड्राई हो गया है, थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगा देते हैं, आप बटर भी लगा सकते हैं,
उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। पर घी या बटर में ही सेकिएगा, तेल में नहीं सेकिएगा, तो बच्चों को और अच्छा टेस्ट आएगा। इसको पलट देते हैं, एक तरफ से सेक चुकी हैं तो ये कितना बढ़िया कलर आया है। तो बढ़िया सा इसका गोल्डन कलर आ जाए तब तक इसको सेक लेना है। अब इसको भी कवर कर देते हैं जिससे दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक जाए। तो दोनों तरफ से आपको अलट पलट करके बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक सेक लेना है, जिससे बढ़िया सा इस पर कलर आ जाएगा। ये नाश्ता हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और बच्चों को पसंद भी आएगा। अभी स्कूल चालू होने वाले हैं तो आप बच्चों के टिफ़िन में इसको बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। देखिए कितना बढ़िया हमारा सिक चुका है, इसको निकाल लेते हैं। तो अब मूँग की दाल को रात को पीस के रख दीजिए, बाकी तैयारी कर लीजिए। फटाफट से ये नाश्ता बन जाता है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया टेक्सचर है, फिलिंग अंदर तक भरी हुई है। देखिए कितना, इसको आप सॉस वगैरह किसी के साथ भी इंजॉय करिए। थैंक यू।